ओम कर गणपति नमः। करवा चौथ का पवित्र त्यौहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 24 अक्टूबर 2021 को मनाई जा रहा है। ये इस बार बहुत ही शुभ संयोग लेके आ रहा है। इसमें इस दिन बहुत से शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले कि ये संडे के दिन पड़ रहा है, जिसके कारण सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा उस दिन अपनी उच्च राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में, जो कि शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी ये व्रत चंद्रमा को देख के पूर्ण होता है, इसलिए चंद्रमा का उच्च होना बहुत ही ज़्यादा शुभता दे रहा है। रोहिणी नक्षत्र पड़ रही है, जो कि शुभता दे रही है। बुध भी उस दिन अपनी स्वगृही राशि यानी कि कन्या राशि में है, जो कि शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन इस बार करवा चौथ का व्रत बहुत ही शुभता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है। इस दिन मायके से जो है बया आता है, जिसको रख के फीमेल्स जो हैं अपनी थाली में रख के उस बया को मंजती हैं। ससुराल की तरफ से यानी सास ससुर या पति के द्वारा सरगी दी जाती है। इस सरगी को खाने के बाद ही सुहागिने जो है व्रत रखती है। सरगी में फल, मेवा, मिठाई, उसके अलावा कपड़ा, ज्वेलरी, सुहाग का सामान होता है। सुबह तारे जब तक रहते हैं तब तक सरगी खाने का विधान होता है। उसमें दूध फेनियाँ ज़रूर खाई जाती हैं। दूध फेनियों के बगैर व्रत अधूरा माना जाता है। सुबह सरगी खानी ज़रूरी होती है। उसके बाद निर्जला व्रत रखा जाता है। उसके बाद दिन में सुहागिने पूरा 16 सिंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, पैरों में मेहंदी लगाती हैं, 16 सिंगार करती हैं। शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कुछ महिलाएं इकट्ठी होती हैं और एक सर्कल बना के बैठती हैं। उसमें करवा माता का ध्यान किया जाता है, माँ पार्वती का ध्यान किया जाता है, और जो बया मायके की तरफ से आता है उसको थाली में रख के उस थाली को मनसा जाता है, यानी एक सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है, और करवा माता की कथा कही जाती है, करवा चौथ की कथा कही जाती है। इसके बाद सुहागिने शाम को चांद का इंतज़ार करती है। जब शाम को चांद निकल आता है तो चांद में छन्नी से दिए की रोशनी में चांद को देखती है, फिर उसी छन्नी और चांद को देखते हुए पति को देखती है, और पति के द्वारा पानी और फल मिठाई खिला के व्रत का पारण कराया जाता है। इस व्रत का पारण पति के हाथों के द्वारा होता है। जो लोग मुहूर्त के अनुसार व्रत करते हैं, मतलब पूजा करते हैं, उनके लिए शाम को 6:55 से लेकर 8:01 तक का मुहूर्त आया है। इस दिन सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, फिर शिव पार्वती का ध्यान किया जाता है, और कार्तिकेय भगवान का ध्यान किया जाता है। उन सबका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शिव परिवार के आशीर्वाद से ये व्रत फलीभूत होता है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसती रहे। जो सुहागिने ये व्रत रखे उनका व्रत पूर्ण हो, माता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय माता दी।